गए, सारे भाग गए, लोग सारे डर गए, सभी डर गए। देख रहे हैं मुझे बहुत सारे ऑस्ट्रिच के साथ, जी हाँ मैं मौजूद हूँ शुतुरमुर्गों के पास। शेखुपुरा में ये सबसे बड़ा फार्म हाउस है। कितनी कितनी देर के हैं, कितने कितने साल के हैं? इस वक्त इनकी एज जितने भी हमारे पास परिंदे ना सभी 15 साल से ऊपर वाले हैं। अच्छा, किधर रखे? ये तो डंबल्स वाले और इनका वजन देखें अपना, डेढ़ से दो किलो के अंडे होंगे। अपना वजन है। ये आ रहे हैं खाने। ये देखें, ये ब्लैक कलर क्या है, ये व्हाइट कलर क्या है, वो जितने चूजे हैं वो ब्राउन कलर के हैं। अच्छा, ये कटे पहन भाई आए हैं। देखिए वाओ कितने प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमवाईके न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन। और आप आज देख रहे हैं मुझे बहुत सारे ऑस्ट्रिच के साथ, जी हाँ मैं मौजूद हूँ शुतुरमुर्गों के पास। शेखुपुरा में ये सबसे बड़ा फार्म हाउस है और इस वक्त हम जो है मैं मौजूद हूँ शकील साहब के साथ, जो कि यहाँ के ऑनर हैं और वो शुतुरमुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहते हैं। आपको बहुत सारे व्लॉग्स भी इनके नज़र आते होंगे। और इस वक्त ये कौन सा पौधा खा रहे हैं? ये इस वक्त तो ये ग्रीनिश खा रहे हैं ना, सब्जा कोई भी चारा हो ना इनके पास लेके हैं, बड़े शौक से खाते हैं। ये तो सारे जमा होते चले जाते हैं। आस्ता आस्ता देखिए वो उधर से भी सारे परिंदे इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये आपको उनको इशारा करते भी आ जाओ खाना पीना शुरू करो। ये देखिए हमारे साथ टेम हुए हैं, हमने छोटे बच्चे लेके ना तो बड़े किए, सारे बर्ड्स हमारे पास टेम है। ये देखिएगा ये जिसके साथ हम जिस तरह मर्जी फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ये कितने कितने कितनी कितनी देर के हैं, कितने कितने साल के हैं? इस वक्त इनकी एज जितने भी हमारे पास परिंदे ना सभी 15 साल से ऊपर वाले हैं। अच्छा जी जी। और ये आप बिल्कुल छोटे बच्चे लेकर आते हैं? जी, छोटे बच्चे हमने लिए थे, फिर इनको टेम किया, आस्ता आस्ता बड़े होते रहे, अभी ये सभी ब्रीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली की बुनियाद पर अंडे आ रहे होंगे आपके पाँव में भी देखेंगे अंडे हैं। अच्छा, वो घर है इनका, उस घर में अंडे देते हैं, अभी फीमेल अंडे देने के लिए खड़ी है। आस्ता आस्ता शाम के तक ना ये अंडे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक वक्त में एक फीमेल कितने अंडे देती है? एक वक्त में एक फीमेल एक ही अंडा देती है, लेकिन एक दिन गुजरने के साथ साथ दूसरा अंडा, फिर नेक्स्ट डे क्रॉस करके सेकंड डे। अभी ये आपके पास 15 साल के, आमतौर पे ये जो शुतुरमुर्ग होते हैं इनकी क्या एज होती है? जी देखिए, जितने भी शुतुरमुर्ग होते हैं इनको टेम करके जब बड़ा कर लेते हैं ना तो इनकी लाइफ जो है इंसान जितनी होती है 60-70 साल तक इनकी एज। अच्छा जी जी। ये मैं पीछे कर रही हूँ, मुझे खा पता चले मेरे भी बाल बीच में खाए हुए। इनकी प्राइस क्या होती है? इनकी प्राइस डिफरेंट होती है, जो ब्रीडर होते हैं ना ये तकरीबन 1 लाख से ऊपर इनकी प्राइस होती है। अच्छा। और जो इस वक्त नॉर्मल रूटीन में मीट वाले होते हैं वो 1 लाख से नीचे होते हैं। वो मेल कौन से फीमेल कौन से हैं? जो ब्लैक कलर के हैं वो मेल है, जो ब्राउन कलर की फीमेल है। जब ब्रीडिंग के दिन हो आ जाते ना तो इनके फेस देखे जो चूंच बिल्कुल रेड हो जाएगी। अच्छा। और इनके जो फूट है वो भी रेड हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें ये जो ब्लैक ये चोंचे भी इनकी? हाँ जी जी, ये देखिए ना ब्लैक नहीं है, ये ब्राउन है, सभी फेदर भी ब्राउन है, इसकी नेक भी ब्राउन है। अच्छा, इनकी हाइट कितनी होती है? देख लें आपके पास ही है, इनकी कम से कम 8-9 फुट तक हाइट होती है, इससे ज्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती। अच्छा, और इसमें से अभी तक सबसे बड़ा वाला कौन सा लगा? सबसे बड़ा वाला जो मेल है वो खड़ा हुआ है। अच्छा, वो सबसे लंबा है? हाँ जी, उसकी हाइट काफी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ये जितने भी जो फीमेल ऑस्ट्रिच है उन्होंने अंडे, वो अपने अंडों से बड़े मजे से खेल रही है, उसको खाने की भी परवाह नहीं ये है। पूरे शेड में जितने भी हमने ऑस्ट्रिच रखे हुए ना तो इन्होंने एक ही घर में अंडे देने होते हैं। अच्छा। अभी ये वाला घर इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। हाँ। और ये देखिए हम ऊंची जगह पे खड़े हैं, ये नीचे जगह है। अच्छा। ये इन्होंने मिट्टी वगैरह सारी दाएं बाएं की हुई है। हाँ। यहाँ अंडे देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ट्रे लाए भी, ट्रे की कुछ कहेगी तो नहीं? कुछ कहेगी तो नहीं, इसके अंडे उठा लेंगे? कुछ नहीं कहेगी, ये आप पे डिपेंड करता है, ये ले आप ट्रे लें। किधर रखे? ये तो डंबल्स वाले। और इनका वजन देखें अपना, डेढ़ से दो किलो के अंडे होंगे। इतना वजन है भाई? आप फीमेल देखें, आपके अंडे मैडम चुरा रही है, जल्दी से पकड़ लें इनको, हमला कर दें इनके ऊपर, हमला कर दें इनके ऊपर जल्दी, ये आपके अंडे चुरा के लाहौर लेके जा रही है, इनके ऊपर हमला करें आप। नहीं नहीं नहीं, ये देखें 4 अंडे उठा लिए हैं भाई, मुझे ना करें, इनके ऊपर हमला करें, ये पकड़ें 5। हर अंडे की शेप ही अलग अलग है, एक तरबूज जैसे कुछ भाई। ये देखें जितनी फीमेल है इनकी शेप लेदा लेदा है। ये तो अंडे टूटने वाले थे यार, क्या कर रहे हैं यार।
कि इन अंडों को हम डेली जब कलेक्ट कर लेते हैं कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, उसके बाद इनक्यूबेटर में कब लेके जाते हैं, इनक्यूबेटर में कितना टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर होने के बाद कितने दिन के बाद बच्चा निकलता है और जब बच्चे निकल आते हैं क्या खाते पीते हैं, ये चलेंगे हम उधर इनक्यूबेटर रूम में, वहाँ जाके आपको ये सारी मालूम मैं फराम करूंगा। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो शुतुरमुर्ग कहते हैं कि इसके ऊपर सवारी भी करते हैं, ये बातें बड़ी तेज हैं, ये ट्रू है बात? जी जी, हमने लास्ट टाइम सवारी की थी हम अपने फार्म के अंदर ही, तो तीन चार मरतबा उसने रनिंग की, बाद में अल्लाह तवक्कल वो गेट खुला था तो मैं तो फिर वो बड़ी दूर जाके इसको ब्रेक लगवाई तो फिर नीचे उतरा हूं। अभी ये देखें, ये मुझे काटेगा तो नहीं, पहले अपना डर खौफ खत्म करें ना। हाँ वो तो मैं कर ले, मेरा हाथ आएगा तो मैं आऊंगी इस पे। नहीं आप छलांग लगा के ऊपर ये बैठने दे यार, तेरी मेहरबानी। वो शुक्र हम भागे और मैडम ने बैठना सारा भागे, सारे भागे, लो ये सारे डर गए, सभी डर गए। क्यों आ गया देखे, उसका कोई पता नहीं चल रहा है, एकदम उसने तेजी से आना है। इसने जी जी ये गुस्सा कर रहा है। आज आज साल दीवार के पीछे चले जाना, दीवार के पीछे उस तरफ चले जाना, अगर वो आगे की तरफ भागे तो दीवार के पीछे चले जाइएगा। आज 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 मैडम आज इसका कोई पता नहीं चल रहा है ये तो। अच्छा आप ये बता रहे थे कि इनके जो फेस जैसे अभी रेड हुआ हुआ है ब्रीडिंग की डेज में, ये भी ऐसे ज्यादा रेड हो जाते हैं? जी जी, इससे ज्यादा रेड हो जाते हैं और इनको ज्यादा ये होता है कि ये हमारे ना बाकी बर्ड्स को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस वजह से अग्रेसिव हो जाते हैं और मेल अटैक करने की कोशिश करता है, जो इनके अंदर ना मेल एक दो अटैक करते हैं। जी भी बस, तो इस वक्त यहाँ पे ना फीड का टाइम हुआ हुआ, और सबसे मजे की बात ये है ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे बजरी मौजूद है, और ये जो शुतर मुर्ग है ये बजरी खाते हैं। What? भाई लकड़ अजम पत्थर अजम वाला साहब है, और ये देखिए जी बड़े मजे से कैट वॉक करते हुए जो शुतर मुर्ग है वो आ रहे हैं अपने खाने की तरफ, और ये लोग ये बकाई है इनके फीड के जो है वो जगह बनी हुई है, और ये यहाँ पे बजरी खाते हैं। आएगी ये खाएगा मेरे से तो पता नहीं, तुम लोगों को कोई नाराजगी है कसम से, इसमें से खा लो, इसमें से खा लो भाई। नहीं अच्छा भाई ये देखें जी ये आ रहे हैं खाने। मेरे हाथ नहीं खाना, मस्ती कर रहे हैं, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं खाना नहीं, उसने बकायदा उंगली बीच में ले ली है। हाँ भाई कैसी लगी? ये तो काट रहा है, इतने कौन काट रहा है, फिर भी मैं दोबारा ट्राई करूंगी, देख लेना भाई। अब हाँ ठहर भाई, ठहर 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 ठहर, ये देख ये ले पकड़ ये तो आज कुछ सीधा पड़ रहा है, मेरी उंगली नजर आ रही है। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त ये जितने भी शुतुरमुर्ग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी शावर का टाइम है और ये मेरे पास आ चुके हैं, जैसे ही पानी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये जितने भी हैं ये सब पानी को एंजॉय करेंगे, और आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम खुद तीन तीन चार चार दफा नहा रहे होते हैं, तो ये ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे बड़ा मज़े का, और अगर आप देखें वाह कितना मज़े का लग रहा है, वाह हाय। अच्छा अभी से कैसे हम इनको शैम्पू करते हैं, बाकी शैम्पू करते हैं अभी ने किसी ने? शैम्पू करवाए, सर्फ करवाए, साबुन लगाए, तो सारे आपकी तरफ जो आ गए, आपका प्रेशर कम है ना, ये देखो दूर से उसको उसके ऊपर फेंकेंगे ना तो वो इस तरफ आ जाएंगे, ये देखे इस तरफ शावर करवाएंगे ना आप, थोड़ा सा शावर टैप हो, ये देखे ये देख, जब इनको आप शावर करवाएंगे ना आपके पीछे आ गए करवाए, ये लो भाई यहाँ पे तो हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे और फार्म हाउस पे क्या चीजें मौजूद हैं? देखिए अभी तो आपने बड़े बड़े ऑस्टिच ब्रीडर देखे, जब इनके आप छोटे बच्चे देखेंगे, अंडे देखेंगे, इनक्यूबेटर में देखेंगे और बड़े प्यारे नन्हे नन्हे गोल गोल इनके बच्चे निकल रहे होंगे ना, तो वो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो इनक्यूबेटर रूम के अंदर, इनक्यूबेटर जो लगा हुआ है उसमें जो अंडे हैं और अंडों में से जो बच्चे निकल रहे हैं वो सारा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और जनाब ये मैं इनक्यूबेटर में एंटर हो रही हूँ, अल्लाह यहाँ पे एसी लगा हुआ है, सबसे पहले आप इधर रखेंगे अंडे। अच्छा इनको एसी देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रोसीजर होगा ना, बड़ा प्रोटोकॉल एंड होगा, देखिए हमारे जो अंडे इनक्यूबेटर से हम लेके आते हैं, जब वो ब्रीडर ऑस्टिच अंडे देते हैं तो हम ये ट्रे में लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले अंडे हम ये स्टैंड बाय पे रखेंगे, ठीक है, यानी कि आज अंडे कलेक्ट कर लिए स्टैंड बाय पे रखेंगे, इधर हम इसको मूवमेंट करवाएंगे ऐसे, ये देखिए ये मूवमेंट हो रही है अंडों की,
अच्छा। ये हम तकरीबन आज के दिन तक इनको मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है। मूवमेंट करवाने के बाद जितने अंडे आज की डेट में आए होंगे वो सारे अंडे हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो हम लेके आएंगे आगे ये वाले टेम्परेचर पे। अच्छा, ये क्या टेम्परेचर है? जानने के ये वाला टेम्परेचर हमारा 20 से 30 टेम्परेचर रहता है। अच्छा। अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो ये ऑटो रोटेट पे चलता है। ठीक है। अगर हम अंडे रोटेट ना करें तो इसके अंदर जो अंडे अंडे होते ना वो खराब होने का खदशा होता है। दूसरा ये है कि अगर हम टेम्परेचर में ना रखें तो गर्मी की वजह से ना ये बबल आ जाते हैं, बबल आने की वजह से वो अंडे का जो एम्ब्रियो होता है वो मर जाता है। अच्छा। अगर एम्ब्रियो मर जाए तो उसके अंदर फिर वो बच्चा जो बनता ना वो ग्रोथ नहीं होती। ये प्रोसीजर करने के बाद जब ये 3 से 4 दिन के जब अंडे इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं ना, ठीक है, तो जितने अंडे इकट्ठे होते हैं फॉर एग्जाम्पल को 25-30 अंडे, वो हम इकट्ठे करके तो हम चलते हैं अगले लाई अमल की तरफ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ हम अंडे किस तरह रखते हैं। जी, यहाँ पे दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। ये हमारा एक ऑपरेशन थिएटर है जिसमें आप आजार भी देख रहे होंगे, इंजेक्शन वगैरह भी है और ये पायोडीन वगैरह और ये मेडिसिन ब्रूफन सिरप ऑलमोस्ट चाहिए होती है। ये ना जब कुछ बच्चे होते हैं जो तो नॉर्मल से क्रैक करके निकल आते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको डेज पूरे होने के मूवमेंट भी पूरी हो जाती है लेकिन वो अंडे के अंदर वो क्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी चूंज जो होती है ना वो अंडे के ऊपर ना वहाँ तक नहीं पहुँचती है। अच्छा। तो वो क्रैक नहीं कर सकता, उसकी वजह से हम ना टॉर्च लाइट लगे के और टेम्परेचर करके ना तो देख लेते हैं कि इसका यार क्रैक करना पड़ता है। अब ये देखिए मेरे सामने जो बच्चे ना ये वाले, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले के निकले हुए हैं। अच्छा, ये वाले 20 डेज वाले हैं, ये वाले 30 डेज के हैं और देखिए कितने क्विड हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं ये देखिएगा, ये देखिए माशाल्लाह। बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके फैदर देखिए। इतना बड़ा ऑस्ट्रिच देखने के बाद इतना छोटा सा ऑस्ट्रिच, इतनी देर में ग्रोथ करके जरा ये 1 ईयर में 100 kg अपना वजन गेन कर लेते हैं। 1 ईयर 100 kg, ठीक है, यानी कि डे बाय डे ये ग्रो होना बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। तो इसलिए जो भी क्लाइंट लेना चाह रहा हो ना चूजे, वो 20-30 डेज वाले चूजे लें ताकि उसको ना आराम से होते हैं। लेकिन इससे छोटे वाले चूजे भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, ये देखिएगा। अच्छा, इस टेम्परेचर का क्या, ये क्या, ये फ्रीजर है? ये देखने तो फ्रीजर ही है, इसमें ना तो बर्फ जमती है, अच्छा, तो ना ही हम ठंडा पानी पीते हैं। इसमें ऑस्ट्रिच के अंडे होते हैं, अच्छा, वो बच्चे हैच करवाए जाते हैं। सारी ऑटो रोटेट पे हमने ना इसके उम्र फिक्स की हुई है, ये खुद ही अंडे घूमते हैं, खुद ही अंदर जो प्रोसीजर होता है ना वो सारे के साथ होता है। कितने अंडे लगे हुए हैं ये इस वक्त? तो अंडे कुछ कम लगे हुए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 अंडे की मशीन है। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं आपको अंडे भी दिखाता हूँ जो इससे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे निकले हुए ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर आपको पता लग जाता है कौन सा अंडा अब रखा है, तब रखा है, कब रखा है, ये कैसे? देखिए हम जितने अंडे रख रहे हैं ना आज फॉर एग्जाम्पल हम अंडे रखते हैं उसके हम कोडिंग कर देते हैं। अच्छा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आज 10 तारीख ना 10/2 को हमने अंडे रखे, उसके ऊपर जो 40 डेज बन जाते हैं ना उससे अगले वही डेट लिख देते हैं, वही डेट ऊपर मेंशन कर देते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं और कुछ अंडे के ऊपर हम अपनी कोडिंग कर देते हैं, वो पता चल जाता है अलग अलग बैग की शक्ल में। ये देखिएगा ये वाला हमने ये देखिएगा ये अभी बिल्कुल छोटे हैं, 8-10 दिन वाले बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ये कोडिंग हुई हुई है आपकी? ये देखिए ना हमने कोडिंग की हुई है। फागदामल ये हमने 11/6 को अंडा रखा था, 21/7 को हमने इसकी ना ऊपर वर्किंग करनी है लेकिन हम उसके अलावा कुछ 10 दिन के बाद कैंडलिंग करते हैं, देखते हैं नॉन फर्टाइल। 10 दिन 12 दिन 15 दिन कुछ इसी, ये वाले सारे एक बैच के ही बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि जितने अंडे हमने रखे हुए थे ना तो उसमें से कुछ जो बच्चे निकले हुए हैं सारे एक बैच के। देखिए उसमें व्हाइट भी है, ब्राउन भी है और लाइट ब्राउन भी, डार्क ब्राउन भी। अब वो व्हाइट पकड़ी है पीछे वाला, ये देखिए ये दूसरे चूजों को नस्बत अलग नजर आ रहा होगा। पकड़ ले पकड़ ले, कुछ नहीं कहते, ये नहीं कटिंग करते। नहीं नहीं कटिंग ना करें, बेचारा डर रहा है ना, इतनी दूर से कैसे पकड़ो इसको। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, इसका इसका भाई दिखाऊं, ये देखिए ये देखिए इसका भाई भी आ गया। ये देखिए ये ब्लैक कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, वो जितने चूजे हैं वो ब्राउन कलर के हैं। अच्छा, ये कटे पहनते हैं, देखिए कितने प्यारे हैं। अच्छा, ये जो लेने आते होंगे वो तो बेचारे फिदा ही हो जाते होंगे, वो फिदा हो जाते हैं, वो अपनी पसंद के चूजे लेके जाते हैं। अब ये देखिए इनकी ना हमने टांगों को बांध दिया, ये देखिए इधर भी टेप लगाई, इधर भी टेप लगाई है। ये इतने शरारती हैं कि दूसरों को खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बांधा हुआ, ये आगे नहीं जाएंगे, अभी आराम से इसके लेके जाकर कायम होंगे। जिस भाई को ऑस्ट्रिच के बेबीज चाहिए हो ना, तो हमारा फार्म है शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के पास, इस फार्म पे आगे ऑस्ट्रिच के बेबीज ले सकते हैं। तो उनको भी बड़ी केयर भी करनी पड़ती होगी। शुरू दिन में
ना मैं उनको सारी टिप्स देंगे ना, तो वो टिप्स लेके सारा केयर करेंगे। आपने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रही है वो पाकिस्तान ऑस्ट्री फार्म पे जाके ना यूट्यूब पे वहाँ जाकर सर्च करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे वो भी है जो भी अंडे के अंदर ही है ना, उनको निकालते नहीं है आप बार जब तक वो खुद से ना एक्टिव हो। जी जी वो अंडे के अंदर ही है। ये सोए हुए हैं, ये अभी बस नींद पूरी कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए उठा सकते हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा दे इनको। ये सारा अंडे के अंदर बैं अंदर, ये आस्ता आस्ता खुद ब खुद ना जोर लगा क्रैक करके बाहर आ जाए। लेकिन आपने इसको क्रैक कर दिया ताकि ये अपनी अब ये अभी कुछ टाइम के लिए ना इसके अंदर इसको टेम्परेचर की जरूरत है। एक ये झिल्ली होती है ना जी, दो तीन झिल्ली होती है, दो व्हाइट कलर की, ये देखिए अंडा वैसे एक ये व्हाइट कलर की झिल्ली है, एक इसके अंदर व्हाइट कलर की, एक रेड कलर की है, इस तरह तीन चार झिल्ली होती है। इन झिल्लियों में से निकलेगा ये? जी जी। अच्छा वो आपने लेटेस्ट निकाला फिर? वो अभी न्यू ताजा ताजा निकला हुआ, उसके साथ साथ वो देखिए वो झिल्ली अभी लगी हुई है। वो अभी एक्टिव होगा और वो अब मेरा रेडी है ऊपर इनक्यूबेटर से हम नीचे हैचर की तरफ ले आए हैं। अभी एक दिन लेगा वो? अभी वो एक या दो दिन ले लेगा, ना हुआ तो फिर उसके बाद देखेंगे, उसके टाइम पीरियड पूरा होने के बाद फिर उसको क्रैक किया जाएगा। अभी अलग अलग प्राइस है, कुछ 50,000 के हैं, 60,000 के हैं, 70,000, वो एज वाइज होते हैं। अच्छा अच्छा, एज वाइज जो बड़े लेना चाह रहे हैं, छोटे लेना चाह रहे हैं। जी वैसे ऑलमोस्ट आपने बहुत इंजॉय किया होगा शुतुरमुर्ग का ये फार्म जो कि शेखुपुरा में मौजूद है, और आपको यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी शकील सर से भी। तो वीडियो में लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, और कौन सा एरिया आपको सबसे मजे का लगा वो भी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में, दीजिए अंदर मोइन को इजाजत अल्लाह ने के बाद।